खोल के सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई बहना शेष नहीं। और दूसरे मेरी बेटियों ने मुझे कहा कि मामा ये शादी की शर्त हटाओ, हमें जल्दी शादी नहीं करना। तो अब बेटियां 21 साल की हो, जो शादी हो चाहे नहीं हो, उनके खाते में पैसा जाएगा। और मेरी बहनों 1250 ही थोड़ी जाएगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊंगा भी, व्यवस्था करते ही 1250 से 1500, 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितने दूंगा? 3000 जब दूंगा तो मुझे लगेगा जब मेरा जन्म सफल हो गया, मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। मेरी बूढ़ी माताएं मुझे कहने लगी, भैया बेटा बहू को तो दे रहे हो 1250, हमारा क्या होगा? तो तुम्हारी बूढ़ी अम्मा 1500 रुपया तुम्हारा भी दिया जाएगा सर। और किसान भाइयों, 1250 अगर बहन के खाते में जा रहे हैं तो 1000 अपने खाते में भी आ रहे हैं। और आगे तय किया इस समय ज्यादा नहीं है, 0% ब्याज पे कर्जा से लेके देखो, सिंचाई के जितने साधन है डोकरी खेड़ा में भी स्वीकृत करके तेजी से काम शुरू करूंगा, चिंता मत करना। दूध की बात ठाकुरदास ने कही थी, हमारे किसान नेता भी बैठे, हरदैनिया जी भी यहां बैठे हुए, जो कोई नहीं कर सकता था वो शिवराज मामा ने करके दिया। दूधी भी स्वीकृत, डोकरी खेड़ा भी स्वीकृत, किसान भाइयों हर खेत में पानी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। और गेहूं 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगी, और गन्ने पर भी बोनस 50 रुपया दिया जाएगा। किसान के पसीने का पूरा दाम देंगे बहनों और भाइयों, पूरा दाम। और मेरे बेटा बेटियों देखो ये अद्भुत है, 1 मिनट जरा 5 मिनट शांत रहे। ये देखो इतना छोटा बेटा हाथ में झंडा लेके अपने मामा के पास आया है। मैं जहां जाता हूं ऐसे बच्चे सभाएं सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये देखो अलग अलग हाथ हिला रहे। अब ये नहीं जानते कि ये मुख्यमंत्री क्या होता है, ये तो ये जानते दुबला पतला आदमी अपना मामा है यार, चलो। और आजकल बड़े बच्चे भी शरारत करते कहते मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये प्रेम और स्नेह के संबंध शायद परमात्मा ने ही बनाए हैं, तब तो ऐसे बच्चे सभाओं में आते हैं। और एक मेरा कमिटमेंट है, इन बच्चों का भविष्य में बर्बाद नहीं होने दूंगा। और इसलिए हम शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। अब सीएम राइज स्कूल खोलने जा रहे हैं, सीएम राइज क्या का खोल रहे, अभी 3 सीएम राइज स्कूल पिपरिया, पचमढ़ी और बनखेड़ी में लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। मेरी बेटी हाँ बेटी मैं बाद में बात करूंगा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, और बस लेने जाएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। और ठाकुरदास नागवंशी कुल मिला के 10 सीएम राइज स्कूल तुम्हारे विधानसभा में दूंगा, हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, ताकि मैं बच्चों को, गरीब बच्चों को भी, मध्यम वर्गीय बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देके इनके भविष्य को बेहतर बना सकूं। इसलिए सीएम राइज स्कूल। और फीस नहीं देना है,
फीस तो मामा ही भरवाएगा, बस के पैसे भी नहीं लगेंगे। शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का अधिकार है, वो अधिकार मैं देके रहूंगा। क्यों, किसी बच्चे के माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा क्या?